तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले, आप शेयर चैट के अंदर लोगो कैसे बना सकते हो, अपने पोस्ट के अंदर वाटरमार्क कैसे बना सकते हो, इसका वाटरमार्क जो होता है जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस प्रकार का वाटरमार्क कैसे बना सकते हो अपने शेयर चैट लोगो का। तो चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। इसके अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाइए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको शेयर चैट यहाँ से सर्च करना, मैं ऐसे शेयर सेट ऐसे सर्च कर लेता हूँ। फिर शेयर सेट आपको सर्च करना है, ठीक है ना, मैं जैसा बता। तो फिर इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से फिर आपको यहाँ पर अपना इस शेयर सेट का लोगो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्लिक कर दीजिएगा और इसका यहाँ से एक स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है ना। यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ मैं, तो स्क्रीन शॉट ले लिया और यहाँ से इसको बैक आ जाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बैक आने के बाद आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस ऐप का नाम है, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो इसको सभी यूज़ करते हुए होंगे जॉक्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ से ओपन कर ले लेना, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन है, इसके अंदर जॉक्स बैनर, थंबनेल, यूट्यूब जॉक्स, ऐसे बहुत सारे लोगो वगैरह आप इसके अंदर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के जैसे जैसे ये वर्क करता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस एप्लीकेशन के अंदर वो काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या कर लेना इस प्रकार का वाटरमार्क बनाने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ से आपको इसका ऐसे में इस प्रकार से मैं यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको आना है, देख सकते हो, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से कलर से कलर पर क्लिक कीजिएगा, जैसे जैसे आप कलर पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है कलर्स पर। तो फिर आपको यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एक सफ़ेद कलर ले लेना, ठीक है ना। यहाँ से फिर आपको राइट पर और फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट पर आपको क्लिक कीजिएगा। टेक्स्ट पर यहाँ से मैं क्लिक कर लिया और यहाँ से न्यू, यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ से एडिट पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ से आपका यहाँ से एक यूजर नेम लिख देना। यहाँ से मैं अपना यूजर नेम लिखते हैं, तो यहाँ से मेरा यूजर नेम इतनी प्रजापति है। तो ठीक है, फिर यहाँ से इस प्रकार से करने के बाद इसका यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ से मैंने अपने फॉन्ट को यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से अपने फॉन्ट को फिर आपको आपके सामने बता देता हूँ कि कैसा बनने वाला था। तो फिर यहाँ से मैं अपना फॉन्ट ले लिया। तो फिर अपने इसको यहाँ से का कलर आपको, तो फ्रेंड्स इसका कलर आपको यहाँ से एकदम ब्लैक या वाइट रेड वगैरह आपको इसका कलर कर लेना। मैं यहाँ से अपना इसका वाइट चावल के यहाँ से ब्लैक कर रख देता हूँ। फिर आपको यहाँ से बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। फिर आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ से कोई रेड यहाँ से रेड वगैरह वाइट आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ से रेड मैंने यूज़ किया। फिर आपको मैं यहाँ से कलर यहाँ से अच्छा लग रहा है, यहाँ से वाइट, तो वाइट मैंने यूज़ कर लिया इसे। तो फिर आपको यहाँ से फिर से इसी बैकग्राउंड के अंदर जाना है आपको। फिर आपको यहाँ से एक लेंथ को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना। फिर आपको इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना। फिर आपको यहाँ से इसका थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेना। फिर आपको यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। फिर आपको तो फ्रेंड्स आपको मीडिया पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से हाल ही में जो आपने स्क्रीन शॉट यहाँ से शेयर एप्लीकेशन का लिया था उस पर आपको क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ से इस जो सर्च कर लिया था उसके अंदर यहाँ से देखो इस प्रकार है। फिर आपको यहाँ से फिर आपको पहले इस पर क्लिक करना, फिर आपको इस पर क्लिक करना, फिर आपको यहाँ से राइट केयर पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको देखिए इस प्रकार से कुछ ये आ जाएगा बनकर। फिर आपको यहाँ से अच्छे से जूम कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से ये वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिए और इस पहले इस पर क्लिक करना, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से करने के बाद यहाँ से इसको इस प्रकार से यहाँ से लगा देना है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ से लगा देना है और यहाँ से फिर आपको इस प्रकार से करने के बाद यहाँ से आपको इसको इस प्रकार से बैकग्राउंड पर क्लिक करने, यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से ऊपर से ही आपको एक ऑप्शन देखने शेयर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ से डिफॉल्ट यहाँ से गैलरी है पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ से गैलरी,
फिर आपको यह इमेज अपनी गैलरी के अंदर सेव हो सकेगी। फ्रेंड्स आप इस प्रकार से अपने शेयर चैट का वाटरमार्क बना सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।